तो हे गाइस, कैसे हो सभी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने व्हाट्सएप जो बहुत डेटा खाता है, आप लोग उस डेटा को कैसे बचा सकते हो और कैसे उसके जो यूसेज है उसको कम कर सकते हो। पूरी बात मैंने इस वीडियो में बताई है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो का एक एक चीज़ आपका बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपके डेटा को बहुत ज़्यादा बचाएगा। मैं आपको बता दूँ, मैं पूरे दिन चलाता रहता हूँ लेकिन मेरा डेटा बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होता। और क्यों नहीं ख़त्म होता, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको वीडियो ऊपर आई लिंक पर मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जाके ज़रूर देख लो, ठीक है। चलिए सिंपली सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने व्हाट्सएप को टैप करना है। टैप करने पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर आता है ऐप इन्फो का, आपको सिंपली से उस पर चले जाना है। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजेस का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से इस पर टैप करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड डेटा का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से इसको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ कर दोगे तो यार क्या होगा कि जब आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करोगे कि आपका बैकग्राउंड में बिल्कुल भी डेटा नहीं खाएगा। तो गाइस, इसका यही सॉल्यूशन है कि आप लोग जो है तो सिंपली से इसको ऑफ कर दे। दूसरे सेटिंग में क्या करना है गाइस, आप लोग सिंपली से व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन साइड में दिखता होगा, है ना। आपको सिंपली से टैप करना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन में चले जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे स्टोरेज एंड डेटा का। उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, आप लोग स्टोरेज एंड डेटा वाले ऑप्शन पे चले जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको रहेगा नेटवर्क यूजेस का। आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा चीज़ कितना चीज़ें मतलब कितना नेट खा रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि मेरा कॉल है वो यहाँ पे 23 से 18 MB खा रहा है। उसके अलावा मीडिया बहुत खा रहा है। उसके अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा जो मेरा डेटा है यहाँ पर स्टेटस खा रहा है, यानी कि मैं स्टेटस चेक कर करके सबसे ज़्यादा मेरा डेटा स्टेटस पे ख़त्म होता है। तो आप लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपके यहाँ पर तीन सेटिंग्स दिख रही होंगी आपको, ठीक है। व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, व्हेन रूमिंग। आपको क्या करना है, जब आप अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी चाहिए जो कि ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाए, तो आपको उसको टैप कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर चारों चीज़ें नहीं चाहता, मतलब मैं मैन्युअली अगर देखूंगा कि मेरे काम की चीज़ें तो मैं उसको हाथ से क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा, तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा डेटा बचता है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आप लोग फोटोज़ को ऑन कर सकते हो, मतलब कोई आपको फोटो सेंड करे और ये व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उसको डाउनलोड कर दे। तो मैं लेकिन बिल्कुल यहाँ पे रिसीव नहीं करने वाला। ऐसे ही मैं वाईफाई में जब मैं चलाता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा वाईफाई जो फोटोज़ को ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर दे, तो मैं वाईफाई वाले में फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके अलावा अगर आप रोमिंग वाले ऑप्शन पे भी, मैं तो सलाह दूंगा कि आप लोग सबको ऑफ कर दो, मतलब जब आप लोग रोमिंग में रहो तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा ख़त्म मत हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा यूजलेस डेटा फॉर कॉल्स, आपको इसको सिंपली से ऑन कर देना है। मतलब जब आप लोग व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा डेटा खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसको ऑन कर दोगे ना तो क्या होगा कि आपका डेटा वाईफाई कॉलिंग सॉरी व्हाट्सएप कॉलिंग और उसके अलावा जो वीडियो कॉल होता है उसमें बहुत कम यूज़ होगा, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा डेटा बचेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी काम की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए।